हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज मेरे सामने खड़ी है 2023 में आने वाली R15M। बेसिकली ये जो है अपना अपडेटेड मॉडल आप लोग कह सकते हो। देखो, लुक वाइज तो सिमिलर थी, बट कुछ फीचर्स जो हैं वो यामाहा ने ऐड करे थे जो पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लाइक ऑल LED सेटअप कर दिया गया है, ये आपको एक अच्छी सी TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं और मतलब इसके अंदर अपडेट कर दी है। लाइक ये जो स्विचेस देख रहे हो ना, ये सारे के सारे अपडेट कर दिए हैं। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या निकलने वाला है आज इस वीडियो में, बेसिकली इसका राइड रिव्यू तो मैं ज़रूर करूँगा, और उसके साथ साथ मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को KTM RC 200 की जगह इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्या क्या डिफरेंसेस जो हैं इस बाइक में और उस बाइक में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या फिर मैं एक बार को RS 200 को भी रखने वाला हूँ इस वीडियो की लिस्ट में। कि मतलब अगर आप इन तीन बाइक्स में कन्फ्यूज़ हो कि R15 ली जाए, RS 200 ली जाए या RC 200 ली जाए, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये कैसी चलती है, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ भाई जो मैं आप लोगों को हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, सीट हाइट। बेसिकली सीट हाइट का क्या सीन है कि काफ़ी लोग इस चीज़ से मतलब प्रॉब्लम में रहते हैं कि भाई 5.5 हाइट है मेरी, 5.2 है, 5 है, तो मैं क्या करूँ, क्या मेरे को आ जाएगी। तो देखो भाई, मैं सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, मेरी है 5.5, मेरे इतने ही पैर आते हैं अभी, जो ये बिल्कुल ही न्यू है। मेरे पास खुद R15 है भाई, जो कि मैं मतलब 2021 में ओन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या है, अब थोड़े टायर घिस चुके हैं, सस्पेंशन जो है वो डाउन हो गई है, तो उसकी वजह से मेरे पूरे पैर जो हैं वो आ जाते हैं ज़मीन में। यहाँ पर क्या है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पैर मेरे जो आ रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आपकी हाइट 5.5 है या 4 है तो आप लोग चला सकते हो। थोड़ा सा जिसकी 5. हाइट होगी ना, 5.0, उसको मे भी शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। बाकी स्टार्ट करते हैं एंड देन चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक जो है ये यामाहा ने बनाई है भाई। तो इसको थोड़ा से शीशे को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, अभी नई है तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होने में भी दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहली चीज़ भाई, जिस चीज़ के लिए यहाँ ने इस मशीन को उतारा है ना इंडियन मार्केट के अंदर, इसको और MTU को, भाई मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही तारीफ करूँ इन दोनों ही मशीन्स की। एक टाइम हुआ करता था जब RS 200 और NS 200 आया करती थी ना, वो अपने ज़माने की बीस थी, बस अब थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी डाउन हो गई हैं पावर के मामले में। अगर आप देखते हो, मतलब पावर तो इससे ज़्यादा है, बट अगर आप रियल लाइफ में उनको चलाते हो, लाइक अगर आप रेस कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं, ये कहीं ना कहीं 155 तक चली जाती है इजीली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे भाई पावर और परफॉर्मेंस के बारे में। अब देखो, ये बाइक जो है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये उस कैटेगरी में आती नहीं है। लाइक ये एक 155cc की बाइक है, और वो जो दोनों बाइक हैं वो हैं 200cc की बाइक्स, मतलब 200cc की बाइक्स, तो यहाँ पर कंपैरिजन बनता नहीं है। बट हम इसको इनको कंपेयर इसलिए करते हैं बिकॉज द थिंग इज़ डैट जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आती है ना, ये बाइक अभी मतलब आज ही ली गई है, 2,25,000 रुपये ऑन रोड जो है वो दिल्ली के प्राइस में मिली है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्राइस जो है ना काफ़ी लोगों को खींचता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड है, इतने में अगर हम थोड़ा और पैसा मिला है तो हमें RC भी मिल सकती है, और अगर आपको थोड़ी बजट वाली बजट फ्रेंडली बाइक चाहिए तो आप RS 200 की तरफ भी जा सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन का मतलब चर्चा बन जाता है कि नहीं भाई इसको कंपैरिजन करना ज़रूरी है। बाकी सबसे पहले चलाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो भागने के मामले में तो ये बाइक औसम है भाई, सच बता रहा हूँ। मतलब 155cc की कोई भी स्पोर्ट्स बाइक अगर है जो इंडिया में आती हो, बीट ही नहीं कर सकती इस बाइक को। लाइक जो आपकी SF आती है, अगर आप इंजन वाइज देखते हो तो उसी से कंपैरिजन होता है, जो आपकी 150cc की SF आती है। बट यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में बात करूँ ना, क्या ही प्यारी पावर है। और यहाँ पर क्या है कि लाइक अगर आप 5,000 RPM हो, 6,000 RPM हो, थोड़ा आपको पावर कम फील होगा, बट जहाँ आपने 7,000 के बाद इसको लेके गए ना, तो डेफिनेटली ये और ज़्यादा पुल करती है, बिकॉज वहाँ पर VVA जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो अपना बखूबी बहुत अच्छा काम करता है, जो कि आपको फील भी आएगा कि मज़ेदार है बाइक। अब यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, लाइक अगर मैं बात करना चाहूँ ब्रेकिंग के बारे में, तो फ्रंट ब्रेक तो भाई मतलब औसम है भाई, बहुत ही प्यारी ब्रेकिंग है। मतलब फ्रंट ब्रेक पे आप इतना कॉन्फिडेंस रह सकते हो ना कि अचानक से कोई सामने आ जाएगा, ब्रेक मारोगे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगा। बट पीछे वाला थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब अपना उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। या तो डिस्प्ले छोटी है नॉर्मली अगर मैं RS या उससे कंपेरिजन करूँ RC से, बट यहाँ पर थोड़ा ब्रेकिंग का मुझे ऐसा इशू लगता है कि थोड़ा ब्रेक जो पीछे वाला ना उतना अच्छा नहीं है। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि ब्रेकिंग के मामले आपको कैसी बाइक चाहिए कैसी नहीं। और परफॉर्मेंस के मामले में तो भाई मतलब क्या ही बोलूँ। और ये जो TFT डिस्प्ले दी है ना इन्होंने, फीचर्स तो भाई KTM फेल है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं कोई ये नहीं कि यामाहा की तारीफ़ कर रहा हूँ या फिर मैं ओन करता हूँ मैं, इसलिए इवन मैंने RS 200 भी ओन कर रखी है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतने फीचर्स सिर्फ और सिर्फ पहले KTM दिया करती थी। USD सस्पेंशन देती थी आपको, क्या कहते हैं ऑल LED सेटअप मिलता था, बट अब ये बाइक जो है ना भाई, मतलब यामाहा ने ना कह के ले लिया KTM की कि तुम फीचर्स के नाम पे क्या क्या दे सकते हो, जरा हम भी तो देखें। क्विक शिफ्टर आपको मिल रहा है, अपशिफ्ट आप लोग इजीली कर सकते हो बिना किसी, मतलब इतना स्मूथ है ना भाई, ये इतना स्मूथ है मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मतलब
क्लिक वाली जो साउंड होती है ना, जैसे मतलब अब लाइक मैं अभी फोर्थ गियर में चल रहा हूँ और जैसे ही मेरा क्विक शिफ्टर का ऑप्शन आया, मैंने सिर्फ पैर ऊपर कर दिया और मुझे पता तक नहीं लगा कि गियर लग भी चुका है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है कि क्विक शिफ्टर के मामले में तो भाई मतलब गियरिंग के मामले में अगर देखा जाए तो कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर सकता कि भाई ये बाइक मतलब कोई भी पंगा देगी। अटकेंगे गियर्स, अप शिफ्ट हो, डाउन शिफ्ट हो, जैसे मर्जी, हाई रैव में करना चाहो, लो रैव में करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। और गियरिंग की एक चीज़ मुझे और अच्छी लगती है, इस बाइक को अगर आप 30-35 की स्पीड में छठे गियर में भी चलाना चाहो ना, देखो ये चलेगी। 45 की स्पीड, 47, अगर मैं और भी कम कर दूंगा ना 6 गियर पे भी, मुझे लग रहा है 35 के आसपास भी मैं चलाना चाहूँ तो वो जो है ना वो कहीं ना कहीं चलेगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है इस बाइक की लगती है, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आएगा। अब बात करते हैं एग्रेसिव की। अब जैसे कि हैंडलिंग है इसकी, हैंडलिंग कटिंग के मामले में कोई इशू नहीं है भाई, इतनी मक्खन है ना, मतलब कहीं से भी कितनी कटिंग मारो कोई इशू नहीं होने वाला आप लोगों को। और उसी के साथ साथ अगर आप हैंडल के बारे में बात करें, एग्रेसिव की लाइक मतलब बाइक एग्रेसिव है, V3 से कंपैरिजन करोगे तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप लोगों को ये कंफर्टेबल लगेगी। हाँ, उन लोगों को प्रॉब्लम होगी जो लोग बिल्कुल ही पहली बार कोई एग्रेसिव बाइक खरीद रहे हो ना, उन लोगों को 2 दिन 4 दिन 5 दिन भाई कमर में, कंधों में या फिर यहाँ पर दर्द होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेरे को भी शुरुआत में ये चीज़ हुई थी और मेरे माइंड में भी ये चल रहा था मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। बट डेफिनेटली बता रहा हूँ, मेरे पास R15 है, 2021 मैंने जैसा आपको बताया, मैं अक्काजा तक लेकर के जा चुका हूँ उस बाइक को भाई, मतलब नॉन स्टॉप लेकर के गया हूँ। जितना नॉर्मली हम जाते हैं ना किसी भी टूर पे, तो मैं वहाँ तक उस बाइक को लेकर के चला गया हूँ, मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डेफिनेटली थोड़ी सी मेरे को पावर की कमी लगी, बट खैर उस चीज़ को साइड हटाते हैं। बट अगर बाइक को ले जाने में बात करूँ, मतलब एक मेरे अंदर गट्स है कि हाँ भाई मैं लेकर के जा सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली इस बाइक को लेकर के चले जाओगे, कोई जो है वो इशू नहीं होने वाला। सस्पेंशन के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सस्पेंशन ऐसे हैं, फ्रंट का सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब गड्ढे तो पता ही नहीं लगते कहीं पे भी, मतलब कितनी तेज़ अगर आप लोग लेकर के चले जाओगे ना, देखो यहाँ थोड़े से ऑफ मतलब उबड़ खाबड़ रोड है, बट मुझे पता नहीं लग रहा है कि सस्पेंशन आगे का बहुत ज़्यादा झटका दे रहा हो। हाँ, पीछे का डेफिनेटली आप लोगों को देगा, क्योंकि वो स्टिफर साइड है और वो रहेगा ही भी, बिकॉज इस बाइक का नेचर ऐसा है, ये लीन वीन करने के लिए बनी है, फुल ट्रैक टू ट्रैक भगाना चाहते हो आप लोग तो उस चीज़ के लिए बनी है, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफर साइड लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। स्लीपर क्लच मिल जाता है, इतना स्मूथ है, एक उंगली से भी मैं इसको ना प्रेस कर सकता हूँ, तो वो चीज़ है, तो ये कहीं पर भी आपको जाम वाम में दिक्कत उतना नहीं देगी। अगर आप लोग जाम में चलाओगे तो थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके एग्रेसिव होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सीट कंफर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एक नंबर सीट है भाई, मतलब जो राइडर की सीट है उससे मुझे कभी कंप्लेन नहीं हुई, ना ही मेरे को कभी भी मेरे को उस सीट से कभी भी दिक्कत नहीं हुई कि ऐसा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डर है या फिर मतलब मैं बैठ रहा हूँ तो मेरे बम में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई मेरे को बिल्कुल भी उस पर फील। और क्या कहते हैं, उसी के साथ साथ रियर के बारे में बात करें, रियर सीट यानी पिलियन वाली सीट, तो भाई वहाँ तो डेफिनेटली जो भी बंदा बैठेगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसके झेलने के बस की बात है, वो कितनी देर झेल सकता है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं इरिटेट जो है वो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई टायर के बारे में भी, थोड़ा सा टायर के क्या कहते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो फ्रंट में आपको मिलता है 100 सेक्शन का टायर, रियर में मिलता है 140 सेक्शन का टायर, लाजवाब है भाई, लाजवाब, सच बता रहा हूँ। जो इसके अंदर स्टॉक कंपनी से आते हैं ना, अगर आप लोगों को मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे टायर्स नहीं चाहिए, जो इसमें आते हैं ना बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी, लीन वीन जितना मर्जी आप लोग कर लो, कहीं पे भी ना आपको धोखा नहीं देंगे, ना पानी में कभी देंगे, ना ही आप लोगों को बिल्कुल ही मतलब कीचड़ में चला रहे हो या कहीं भी चला रहे हो, बहुत ही अच्छे चलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इनकी लाइफ खत्म होने लगेगी ना, लाइक मान लो ये टायर मेरे हिसाब से 8,000-9,000 किलोमीटर चलते हैं, लास्ट 10,000 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद ये ख़त्म है। तो सपोज़ करो अगर आप 8,000 किलोमीटर तक आ गए, उसके बाद अगर आप लीन वीन कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि बाइक फिसल गई या स्किड कर गई, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना, जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो भाई टायर के मामले में, जो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि टायर के मामले में अगर आप लोग देखोगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोगों को अच्छी ग्रिप जो है वो प्रोवाइड कर देती है बाइक। मिरर्स की विजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये थोड़े से मुझे लुल लगे, देखो RS जा रही है भाई, वो भी BS6 वाली, अच्छी लगती है यार बाइक में कोई बुराई नहीं है, बट हाँ उसमें थोड़ी बहुत खामियाँ ज़रूर हैं जो कि अब आ गई हैं। और मिरर के बारे में बात कर रहा था, मिरर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भाई, विजिबिलिटी काफ़ी प्रोवाइड करते हैं, बट थोड़ा कहीं ना क्या होता है, सपोज़ करो पीछे वाली जो गाड़ी है जो मेरे को अभी दिख रही है, वो चैंपियन आ रहा है, वो मुझे दिखेगी, बट गाड़ी अगर यहाँ पर बिल्कुल होगी ना तो वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती, तो वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। बाकी भाई मतलब क्या यार, यामाहा ने क्या चीज़ बनाई है भाई, क्या चीज़ बनाई है, लिटरली मैं फ़ैन हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब जो बंदा RS को इतना प्यार करता है, मतलब RS 200 से मेरा बहुत प्यार था भाई, बहुत ज़्यादा, बट अब वो चीज़ वहाँ से शिफ्ट होकर के ना सच बता रहा हूँ इस बाइक पे आ गई है। मतलब परफॉर्मेंस आप लोगों को मिल रही है, माइलेज आप लोगों को इतनी प्यारी मिल रही है, मतलब सच बता रहा हूँ, मैंने खुद से भी इस गाड़ी की ना 40-41 तक की एवरेज निकाली है, वो बात अलग है, अब मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करा ली है तो उसकी वजह से उसमें माइलेज नहीं आ पाती, बट अगर आप इसको स्टॉक चलाते हो बिल्कुल बिना एग्जॉस्ट लगाए या बिना भी टायर अपग्रेड कराए, तो ये बाइक अगर आप लोग इसको 70-80-90 तक भी क्रूज़ कर रहे हो ना भाई, बहुत प्यारी एवरेज दे देगी, लोगों को 50 तक की एवरेज इस बाइक से मिल जाती है, 50 मायने रखता है भाई,
बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर इसके मीटर के बारे में बात करूँ तो भाई क्या नहीं है इसके अंदर, बस मैं वो देखना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज़ और अच्छी कर दी है, पहले जो टैप लैप वाला टाइम था ना उसको ना रुक करके लगाना पड़ता था जो बटन यहाँ पर आते थे, बट अब यहाँ पर आप इससे सेलेक्ट कर सकते हो। बट TCS और बाकी सारी चीज़ें अगर आपको ऑन ऑफ करनी है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली रुकना पड़ेगा, फिर ही जा करके वो सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ कि भाई RS 200 और RC 200 में से कौन सी बेस्ट रहेगी, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सी बाइक आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी अगर आप 2023 में देख रहे हो। सो गाइस फाइनली देखो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों, क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आप लोगों को R15 की तरफ जाना चाहिए। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अगर RS 200 देख रहे हो या RC 200 देख रहे हो तो क्या क्या चीज़ें अलग हैं इससे हट करके हैं उन बाइक में, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, RS 200 के बारे में बात करते हैं। अभी के टाइम में अगर मैं उस बाइक की कॉस्ट देखूं तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास में पड़ेगी, और ये बाइक उसके आगे ना अच्छी खासी एक्सपेंसिवर है। ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करेगी 2,25,000 रुपए के आसपास में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 25,000 रुपए का डिफरेंस जो होता है ना भाई, वो अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए कि मतलब 200cc का इंजन मिल रहा है मेरे को, पावर जो है वो काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है, और फीचर्स के मामले में देखो मैं अगर मैं RS को बोलूँ ना तो भाई उसके अंदर कुछ भी फीचर्स नहीं है, मतलब सच बता रहा हूँ। ना USD सस्पेंशन आप लोगों को मिलते हैं, ना ऑल LED सेटअप आप लोगों को मिलता है, फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर लाइट जो है वो हैलोजन देखने को मिलती है, आपको मीटर भी पूरा का पूरा जो है वो आप लोगों को अभी भी सेमी डिजिटल देखने को मिलता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ऐसी है कि अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं भाई मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मेरे को एक अच्छा पावरफुल इंजन चाहिए और फीचर्स का मुझे कुछ खास बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप कर सकते हो। और उसके साथ एक चीज़ का फायदा और मिल जाता है कि भाई अगर आप लोग लॉन्ग टूर भी करने की सोच रहे हो ना, उस बाइक पर आप लोग ईजिली कर सकते हो इन दोनों के मुकाबले, यानी RC या फिर अगर आप R15 को देख रहे हो ना, तो ये लॉन्ग टूर के लिए उतना ज़्यादा अच्छी नहीं बनी जितना RS बनी है, क्योंकि उसका जो हैंडल है ना भाई वो क्लिप ऑन वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की साइड है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, सीट भी जो है उसकी दोनों ही कंफर्टेबल है, वहाँ आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए भाई आप लोग RS 200 की तरफ जा सकते हो। अब बात आती है RC के बारे में कि RC और R15 में अगर मैं कंपैरिजन करें तो फिर किसको लेना चाहिए। देखो भाई RC क्या है ना, मतलब उस बंदे के लिए बनी है जिसे टॉप नॉच चीज़ें चाहिए ना, मतलब लाइक अगर आपको एक फीचर चाहिए या फिर अगर आपको मैं पावर के बारे में बोलूँ कि अगर आप पावर से प्यार करते हो कि भाई फर्स्ट गियर लगाती है ना भाई, मतलब गोली की तरह वो बाइक जो है वो निकलनी चाहिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को RC 200 के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि R15 के अंदर आप लोगों को उतना नहीं देखने को मिलने वाला। मतलब 135 की स्पीड तक अगर मैं बोलूँ ना तो मुझको लगता नहीं है कि R15 इसको बीट कर सकती है। हाँ टॉप एंड में अगर उसके आगे जाएगी तो डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं बीट कर सकती है बाइक, बट जो नई वाली RC आ गई है वो भी भाई आप लोगों को 150 आराम से हिट कर देती है, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। मतलब अगर आपको पावर चाहिए ना कि नहीं भाई मेरे को पावर चाहिए ऐसी कि मतलब एकदम से मतलब भगा रहा हूं ना बाइक तो तुरंत की तुरंत भागनी चाहिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके अंदर मिलेगी। अब R15 किन लोगों के लिए मैं सजेशन दूंगा, देखो भाई फीचर्स के मामले में अगर आप लोगों को चाहिए, फीचर फुल टू फुल लोडेड है, कोई आप लोगों को कमी नहीं देखने को मिलती, रिलायबल इंजन है, कहीं पे भी कोई वाइब्रेशन या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो है अनोइंग साउंड या फिर हीटिंग इशू कुछ भी इस बाइक के साथ जो है वो आप लोगों को फेस करने को नहीं मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ क्या है, परफॉर्मेंस भी आपको मिल रही है, माइलेज भी आपको अच्छी मिल रही है, सर्विस कॉस्ट अभी आप लोगों को थोड़ी सी कम मिल जाती है, बट हाँ इसके पार्ट्स कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप लोगों को थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पड़ेंगे, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। बट आज के टाइम में अगर आप ट्रेंडी बाइक देख रहे हो ना तो भाई R15 M के आगे ना मुझको लगता है कि RC भी फेल है। मगर अगर मैं सेल्स फिगर्स के बारे में बात करूँ तो अगर महीने में 4-5 हज़ार अगर आपकी RCs बिक रही है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं 10 हज़ार आप लोगों की आराम से चली जाती है R15 M की या फिर V4 को अगर मैं सबको मिला करके बताऊँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छा खासा है, मतलब डबल ही है, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी अगर आप इस बाइक को लेते हो ना भाई, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना हीटिंग इशू, ना ग्राउंड क्लियरेंस, ना मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों को इस बाइक के अंदर। आप इजीली मतलब एकदम मजे से आप लोग इस बाइक को ना जो है डेली आप लोग चलाना चाहो या फिर अगर आप लॉन्ग टूर पे भी ले जाते हो, बस थोड़े से गट्स होने चाहिए। मैं खुद इस बाइक को भी काफी दूर दूर तक लेकर के जा चुका हूं, तो मैं वहां कहीं ना कहीं कहूंगा कि भाई बस बंदे में गट्स होना चाहिए, वो डेफिनेटली कोई सी भी बाइक लेकर के जा सकता है, RC भी लेकर के जा सकता है, बस बंदे के अंदर दम होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वैल्यू फॉर मनी RS 200 रहेगी, पावर ओरिएंटेड अगर आप देख रहे हो तो भाई आपके लिए RC बेस्ट रहेगी। और अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आपको कोई कमी ना मिले ना, कोई सर्दी ना हो, हीटिंग वीटिंग ना हो, मतलब अच्छा एवरेज दे दे, कम कॉस्ट में आप लोगों की मेंटेनेंस आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं इस बाइक के साथ आपको मिलेगी। और ऐसा नहीं कि भागती नहीं है, अच्छे खासी पावर है आप लोगों को मिल जाती है 150cc के हिसाब से, बट कहीं ना कहीं अगर आप 200cc के हिसाब से देखोगे ना तो थोड़ा सा पावर जो है वो आप लोगों को लैग लगेगा, बट उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।